हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदा अग्रवाल। अच्छा, कुछ चिंदी टाके में ये फ्लावर पैटर्न बता रही हूँ। इससे हमने डबल तीन कलर ले लिए हैं। डबल से हमने फ्लावर किया और एक ऑरेंज से हमने इसकी ये पैटर्न बना दिया। चलिए इसको देखते हैं। ये ज्वाइंट पैटर्न डिज़ाइन है। इसको हम दो कलर में डिवाइड कर लिए। ये वाला पोर्शन को हम ग्रीन से करेंगे और बाकी को पिंक से इससे करेंगे। ये थ्रेड है मेरा। चलिए बनाते हैं। यहाँ से शुरू करती हूँ मैं, ये ग्रीन वाले स्पेस के ऊपर से। फिर यहाँ जाएंगे, इस तरफ धागा ऊपर रखेंगे, यहाँ की जगह जितना लाइन का वो है एंड वहाँ तक जाके फिर धागा। देखिए ये धागा हमारा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ धागा क्या है, नीचे। फिर यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, फिर ये ऊपर। अब हम इस धागे को यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से ये बनाएंगे। ये इस तरफ घुमा लेते हैं फ्रेम को और धागा ऊपर रखेंगे अभी और इस तरफ से ये बनाएंगे। यहाँ धागा ऊपर और ये वाला देखिए धागा ऊपर है तो हम इसको नीचे डालेंगे। और हमारा डिज़ाइन कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो हम इसको थ्रेड को यहाँ तक लेंगे पूरा ये, और धागा नीचे। यहाँ लेते, यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे और धागा हमारा नीचे जाएगा ये यहाँ पर इसके नीचे। फिर इस तरफ यहाँ धागा नीचे और ये वाले स्पेस में मैं धागा ऊपर आएगा। यहाँ लेते फिर ये यहाँ नीचे इस तरफ आते, यहाँ लेंगे, यहाँ धागा हमारा क्या जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये देखिए ये वाला धागा क्या है, नीचे है, ऐसी लाइन का हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे। और यहाँ तक हमारा एंड मानेंगे क्योंकि लाइन तो यहाँ तक जा रही, लेकिन वहाँ हम यहाँ से ले लेते ये नीचे। फिर इसके बाद यहाँ ऊपर जाएगा और यहाँ नीचे ये लेते। अब इस तरफ घुमाते हैं ये पोर्शन और यहाँ नीचे। अब ये देखिए ये इस तरह से टर्न है, ये यहाँ से हमारे यहाँ तक जा रहा है, तो हम इसको इस तरफ से लेंगे, धागा ऊपर रखेंगे यहाँ ले लेंगे। फिर इस तरफ जाएंगे और अपने फ्रेम को इस तरफ घुमाते हुए यहाँ से लेंगे, यहाँ नीचे यहाँ ले लेते हैं। फिर ये नीचे इस तरफ, यहाँ नीचे, फिर ये वाले पोर्शन में ऊपर जाएगा, यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर ये नीचे, फिर यहाँ पर हमारा धागा नीचे जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसका कच्चा टाका कंप्लीट होता है। अभी हमें ग्रीन वाला कच्चा टाका करना है, तो अभी हमारा थ्रेड इसमें है तो हम इसका पक्का टाका कर लेते हैं, फिर हम ग्रीन को करेंगे। यहाँ से लेंगे इस तरफ और फिर इस तरफ आएंगे ये छोटे वाले कॉर्नर में, यहाँ से लेते हैं। फर्स्ट में नीचे लेते हैं, बॉक्स के अंदर जाते हैं, फिर हमें यह दूसरा बॉक्स मिल रहा वहाँ जाएंगे। अब देखिए फिर इस तरफ आ जाएंगे, फर्स्ट में नीचे यहाँ जाएंगे, ये छोटे वाले स्पेस में लेते, फिर ये फर्स्ट में नीचे यहाँ लेते। अब हमें ये चार वाला पोर्शन मिल रहा है, तो फर्स्ट में हमारी फिर नीचे गई और थर्ड में, ये थर्ड में। अब हमारे फिर ये फर्स्ट में डालेंगे और फिर ये इस तरफ लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं फर्स्ट में नीचे, यहाँ लेके फिर ये चार वाला है, तो फर्स्ट और ये थर्ड में नीचे
जब हम लच्छी धागा लेते तो वो एक एक धागा जो रहता है अलग से ये हमारी सुई में आता है। और अगर हम थोड़े हमारे बॉक्स यहाँ लेते हैं ये बॉक्स के अंदर, फिर ये यहाँ से और ये फर्स्ट में इस तरफ आ गए ये। यहाँ से लिख के यहाँ फर्स्ट में नीचे, फिर बॉक्स के अंदर और यहाँ से बाहर, यहाँ फर्स्ट में नीचे जाएगा और फिर ये किनारे से स्पेस में, यहाँ फर्स्ट में नीचे लेंगे उस तरफ से और यहाँ लेंगे यहाँ। अब ये चार वाला है तो क्या करेंगे, फर्स्ट में नीचे और ये थर्ड में नीचे यहाँ गए। फिर इस तरफ से लेते यहाँ हमें चार वाला मिल रहा है, देखिए ये फर्स्ट में नीचे आया और ये थर्ड में नीचे आया। इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। अब ये हमारी दो बॉक्स जो हैं इनके बीच का हम फिलिंग करेंगे, तो हम फिलिंग यहाँ से शुरू करते हैं। यही वाला देखिए यहाँ से लेते हैं हम इसी, ये यहाँ से लेके फिर इस बॉक्स के चारों साइड से हम एक फिलिंग करेंगे और इस बॉक्स के चारों साइड से एक फिलिंग करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट में ये देखिए ये है ना। अब इधर से लेंगे फर्स्ट और ये थर्ड, इस तरफ से लेंगे तो ये फर्स्ट आ गया और इधर से लेंगे तो ये थर्ड पड़ेगा हमारा भी ये, इसलिए हमने इसको नीचे डाला है। तो हल्का सा ढीला करके यहाँ पर नीचे ले जाएंगे। अब हम इसमें से ले लेते ये वाले से, हाँ अब इस बॉक्स, ये जो एक बड़ा बॉक्स दिख रहा है इसके चारों साइड से हम करेंगे। तो यहाँ से लेंगे फर्स्ट और ये थर्ड, फिर इस तरफ लेंगे ये फर्स्ट को उठाएंगे पहले धागा, अब फिर ये यहाँ से थर्ड को उठाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे फर्स्ट और ये थर्ड ये। अब यहाँ पर एक बार और बचा हमारा ये वाला, ये हमने फर्स्ट उठा लिया और ये थर्ड उठा लिया, यहाँ पर से इसको अंदर डालेंगे। तो ये फ्लावर का ये वाला मोटिफ बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम इसको ग्रीन को कंप्लीट करते हैं। ये ग्रीन वाला मोटिफ है, ये तो सिंपल फोर वाला है, ये हमने कई बार बनाया भी है। इसको लेते हैं यहाँ से, ये जो हमने दो टाके लिए हैं पिंक वाले उसी टाकों के ऊपर से लिए मैंने, यहाँ से ले लेते हैं यहाँ, फिर ये नीचे, फिर ये स्पेस में इसको नीचे डालेंगे। यहाँ देख के अंदर और ये ऊपर, इस तरह से ये बन जाएगा यहाँ पर से ये नीचे। अब हम इसका पकड़ा कर लेते हैं इधर से निकाल के, यहाँ फर्स्ट में नीचे, फिर ये इस तरफ छोटे वाले स्पेस में, फिर फर्स्ट में नीचे बॉक्स के अंदर, फिर हम इस बॉक्स में जाएंगे, फिर ये फर्स्ट में ये छोटे वाले स्पेस में, हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो गया है हाँ, और फिर ये फर्स्ट में नीचे और इसको छोटे वाले स्पेस में लेते हैं। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम ये वाला, ये हमारे ये वाला बना देते लंबी लाइन, यहाँ से लेंगे ये है ना। अब हम क्या करेंगे, इस सुई को ही
इस तरह से लेंगे साइड से और लपेट लेंगे। पहले लपेट लेंगे, उसके बाद तीन बार रैप करके फिर इसको हम पकड़ के रखेंगे अपने ये थ्रेड को और इस तरह से डाल देंगे। फिर इस तरह से लेंगे, देखिए ये है। अब मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ नीचे से निकाला है और यहाँ से पकड़ा एक धागे को, नीचे वाले धागे को, और ये सुई को ऐसे घुमा दिया तीन बार चार बार जितनी बार आपको चाहिए एक बार, और इसको धागे इसको अंगूठे से दबा दें ये इस तरह से। यहाँ से लेंगे, फिर ये इसको पकड़ेंगे धागे को, छोड़ना नहीं है धागा है, पकड़ के रखिए और इसको सुई को घुमा दें तीन चार बार, मोटा चाहिए तो ज़्यादा घुमा दें, और फिर ये धागे को दबा लें, ये वाले जो धागा है तो दबा लें और सुई को नीचे से खींच लें, क्योंकि ये धागा बस उलझना नहीं चाहिए। ये देखिए बनने से ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।